नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं अरबी के मछली कबाब। यह वेजिटेरियन लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ और लाइक ज़रूर करें। इसके लिए सबसे पहले अरबी को धो के कुकर में 2 सीटी लेके उबाल लिया है। इस उबली हुई अरबी को हमने छील लिया है। इसी के साथ हमें चाहिए 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इसी के साथ पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, ज़ीरा और भुना पिसा ज़ीरा, ये ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा है, और तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उबली हुई अरबी को इस तरह से हाथ में लेके दोनों हथेलियों के बीच में दबा के हम मछली का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करके हमें इसे चपटा कर देना है। इससे 2 फायदे हैं। एक तो जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी, और दूसरा हमारी मच्छी का शेप, ये देखिए बिल्कुल फिश लाइक शेप इसमें आया है। तो इस तरह से हमने सारी अरबियों को हथेली से दबा के मछली का आकार दे दिया है। अब हम एक कढ़ाई में डीप फ्राइंग के लिए तेल गरम करेंगे और हमारी अरबी की मच्छियों को एक एक करके इसमें छोड़ते जाएंगे। हमें इन मछलियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक साथ हम ज़्यादा अरबी ना डालें, वरना ये आपस में चिपक जाएंगी और हमारे फ़िश का शेप जो है वो टूट जाएगा। तो एक साथ इस तरह से अपनी कढ़ाई के आकार के हिसाब से अरबी को थोड़ा थोड़ा डाल के हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, अरबी हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है। इस तरह से फोक की सहायता से हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक तल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल फिश की तरह हमारी अरबी लग रही है। और इसी तरह से हम सारी अरबियों को डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक सुनहरा भून के निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी अरबी तल के तैयार है। अब हम इसके छौंक की तैयारी करेंगे। सबसे पहले उसी कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करके हम उसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा डाल रहे हैं। इस ज़ीरे को हमें हल्का सुनहरा भूरा करना है। जब हमारा ज़ीरा इस तरह से क्रैकल होने लगे तब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, और इन प्याज के साथ ही हम डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हम इन प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर रहे हैं। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए, जिस समय हमारे प्याज और हरी मिर्च भून रहे हैं उसी समय हम इसमें 3/4 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, जिससे गरम मसाला अच्छे से अपना फ्लेवर तेल में छोड़ दे और नमक से हमारे प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। और अब प्याज और मिर्ची को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुनहरा रंग हमारे प्याज का आ गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इनको भी हम इसी तरह से सूखे मसालों को तेल में फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए इस तरह से फ्राई करने के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें हमारी अरबी की मछलियाँ ऐड कर देंगे और इनको बहुत ही हल्के हाथों से हमें हमारे प्याज के मसाले में लपेटना है। इस तरह से टॉस करते हुए हमारा मसाला हम अरबी के अंदर चारों तरफ लपेट लेंगे। इस तरह से करने से हमारी अरबी की फ़िश टूटेगी नहीं और बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। ये देखिए, मसाला पूरी तरह से हमारी अरबी पे लिपट गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भुना पिसा ज़ीरा डाल रहे हैं। आप इस समय चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। और गरम मसाला डाल रहे हैं हम इसके साथ ही। इससे बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट जब हम बाइट लेते हैं हमारे कबाब का तो हो जाएगा। और 1/2 नींबू खटाई के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर से इन मसालों को टॉस कर लेंगे, जो कि हमारे कबाब को और भी कुरकुरा बना रहे हैं। इस तरह से टॉस करके हम सारे मसालों को अरबी की मछलियों पर लपेट लेंगे। ये देखिए, हमारे कबाब लगभग तैयार हैं। अब हम इसे ढक के 1 मिनट पकाएंगे।
लगभग 1 मिनट हो चुका है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पक चुके हैं। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। हम इसमें नींबू डाल चुके हैं। इसे और टैंगी टेस्ट देने के लिए हमने अमचूर ऐड की है। इसे भी हम अच्छे से हिलाते मिलाते हुए हमारे अरबियों में लपेट लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर फिर से ढक देते हैं इसे कि सारे मसाले खटाई हमारे कबाब में रच जाए। बिल्कुल ये देखिए, हमारी अरबी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं। हम बहुत धीरे धीरे से अरबी की मछलियाँ मसालों के साथ उठाकर हमारे प्लेटर में प्लेस कर देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इंटैक्ट हमारी टैंगी फिश रेडी है। हमारे गर्मा गर्म अरबी की मच्छी के कबाब तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।